हाय ऑल ऑफ यू, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। पहले के टाइम में जो पहले की जनरेशन्स हैं उनकी स्किन कितनी अच्छी रहती थी, ना तो क्रीम्स ना सीरम्स कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करते थे, और फिर भी उनकी स्किन कितनी ब्राइट रहती थी। और आज हम लोग सब कुछ यूज़ करते हैं फिर भी हमें स्किन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो? एक तो हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, श्योरली ये रीज़न तो बनते हैं, लेकिन हाँ एक ऐसा रीज़न जिस पे किसी का जल्दी ध्यान नहीं जाता, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, तो उसका एक मेन रीज़न है ब्लू लाइट। अब ये ब्लू लाइट क्या है? ब्लू लाइट का मेन सोर्स सन है, और जब आप सन के एक्सपोजर में होते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यही ब्लू लाइट जब आप अपने घर के अंदर भी होते हैं तो भी आप उसके एक्सपोजर में होते हैं, ये ब्लू लाइट सन की यूवी रेज के सिमिलर होती है। दिस ब्लू लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड HEV लाइट, दैट मीन्स हाई एनर्जी विजिबल लाइट। हमारे आसपास इतने सारे गैजेट्स जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप, इवन हमारा LED TV और इवन हमारी जो फ्लोरेसेंट LED लाइट है वो भी, ये सब ब्लू लाइट को इमिट कर रही हैं। हम स्टडी लैंप यूज़ करते हैं या फिर हम नाइट लैंप यूज़ करते हैं जो कि सोते समय हमारे काफ़ी पास ही होता है। ये सारी गैजेट्स एक रीज़न है आपकी प्रीमैच्योर एजिंग प्रॉब्लम्स का। जब हम इन गैजेट्स के कॉन्टैक्ट में बहुत देर तक रहते हैं तो हमारी स्किन का कोलेजन ब्रेक करता है, और जब कोलेजन ब्रेक करता है तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट सारी प्रॉब्लम हमारी स्किन में होने लगती हैं। ब्लू लाइट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रहने से हमारी स्किन के फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ने से एजिंग साइंस अपीयर होने लगते हैं। डेफिनेटली इन चीज़ों से बचा तो नहीं जा सकता, इनके कॉन्टैक्ट में तो हमें हमेशा ही रहना है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि आप अपनी डाइट में एंटी ऑक्सीडेंट फूड को इंक्लूड कर लीजिए, वाटर के कंजम्पशन को बढ़ा दीजिए जिससे कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाएगी, और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप मॉइस्चराइजर लगाइए, और मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शील्ड लगाइए, और अगर शील्ड नहीं है तो उसको 18 इंचेस डिस्टेंस से यूज़ कीजिए। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको एक आर्म लेंथ की डिस्टेंस पे रखना होगा। अगर आप स्टडी लैंप यूज़ करते हैं और काफ़ी देर तक स्टडी करते हैं और उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आप नाइट लैंप यूज़ कर रहे हैं तो अगर नाइट लैंप आपके बहुत पास रखा है और आप पूरी रात के लिए सो रहे हैं तो आपकी स्किन उसके कॉन्टैक्ट में बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए आती है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना होगा। आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप घर में रहते हैं और ब्लू लाइट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो क्या आप सनस्क्रीन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो ऐसे केस में आपको ऐसी सनस्क्रीन लगानी होगी जिसमें जिंक ऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आप इस हाई एनर्जी ब्लू लाइट के कॉन्टैक्ट में अगर ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आपका DNA डैमेज होता है, आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है, आपको फोटो एजिंग कॉज होती है, और आपकी आई भी डैमेज होती है। So friends, I have given you all knowledge about blue light, what is blue light, what are the causes, what are the prevention. So now it's up to you, you have to take care of your skin and yourself. And now it's time to subscribe my channel and like my video, and thanks a lot.